इफ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज मेजर 7 मीटर विथ एरर 0.02 मीटर, फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग इट्स वॉल्यूम। ले लेते हैं कि लेट आर बी द रेडियस, आर बी द रेडियस एंड वी बी द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखिए क्या कह रहा है। एरर इन, एरर इन रेडियस 0.02 मीटर। अच्छा, तो अगर हम लोग बात करें वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 πr³। चलिए अब इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू आर, तो dv/dr जो हो जाएगा वो आ जाएगा 4πr² यानी कि 4πr के जगह पे यहाँ पे आ जाएगा 7 × 7। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, आपका आ जाएगा 196। ठीक है, पाई ये क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ मीटर 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 स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ हमें क्या निकालना है, एरर इन, एरर एरर इन वॉल्यूम, यानी कि हमें निकालना है डेल्टा भी, तो जो कि हो जाएगा dv/dr और इनटू में डेल्टा आर के। चलिए देखते हैं, यह है आपका 196 पाई और इनटू में यह था आपका ऊपर कितना था जी, 0.02 मीटर क्यूब हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यह हो जाएगा आपका 3.92 πm³, इतना एरर होगा वॉल्यूम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 16 नंबर लास्ट क्वेश्चन।